उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम मोहान क्षेत्र में एक हथिनी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हथिनी ने एक दरोगा की स्कॉर्पियो और दुकानों के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं हथिनी के हमले के बाद मोहान क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई और लोगों में दहशत है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा हथिनी पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग क्षेत्र में हाथियों के अक्सर उत्पात मचाने की तस्वीरें सामने आती है। वहीं क्षेत्र में ही पड़ने वाले मोहान क्षेत्र में एक हथिनी ने इस दौरान जमकर उत्पात मचाया। हथिनी ने अल्मोड़ा जिले के भतरौज थाने में तैनात दरोगा की स्कॉर्पियो और दुकानों के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। हथिनी के हमले के बाद मोहान क्षेत्र में सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। वहीं अल्मोड़ा जिले के भतरौज थाने में तैनात दरोगा का कहना है कि वाहन को कमरे के बाहर खड़ा किया गया था कि वही रात को एक हथिनी उनके कमरे की ओर आई और हथिनी ने वाहन के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद हथिनी ने मोहान की कई दुकानों को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद वो जंगल की ओर चली गई। हथिनी के हमले के बाद मोहान क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि हथिनी के हमले में वाहन में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल ताजा घटना के बाद वन विभाग ने कर्मचारियों की गश्त को बढ़ा दिया है और लोगों से रात में न निकलने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।